हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 8 पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? इफ ए एफ स्मॉल एफ मान लेते हैं इनको, स्मॉल एफ इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी जो फंक्शन एफ है ये डिफाइंड है इस क्लोज इंटरवल ए बी में। सच दैट किस तरह से डिफाइंड है? एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, यानी जो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है ए बी में। सेकंड है एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, यहाँ पे तो ये जो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, ये दिया हुआ है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट, तब यहाँ पे ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू डी माइनस ए एफ डैश सी। फ्रेंड्स, ये हमें शो करना है, तो इसको शो करने के लिए हमें एक पॉइंट फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स बराबर, वो है हमारे पास एफ एक्स प्लस के एक्स के डॉट एक्स। ये हमने इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया है कि ये जो फंक्शन है रोले थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी ये फंक्शन जो है रोले थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा हो। ये फंक्शन जरूरी नहीं हो कि रोले थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा हो, बट के डॉट एक्स जो है इसकी वजह से ये फंक्शन रोले थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे पास और फोर ऑल ए बी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो यहां से हो गया एफ ए बराबर एफ बी, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी है। तो यहां से अगर हम देखना चाहें एफ एक्स, यहां से एफ ए की वैल्यू लिखना चाहें तो एफ ए की वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास एफ ए प्लस के डॉट ए, और एफ बी की अगर वैल्यू लिखना चाहें तो ये हो जाएंगे हमारे पास एफ बी प्लस के डॉट बी, ये हो गया। तो और एफ ए बराबर एफ बी है तो यहां से हो गया हमारे पास एफ ए प्लस के ए इक्वल टू एफ बी प्लस के बी, ये हो गया। तो यहां से अगर वैल्यू निकालना चाहें के की, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ, ये टर्म उस साइड में जा रही है फिर से, ये टर्म जो है इधर आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास के ए माइनस के बी, क्योंकि के बी इधर आया इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ये हो गया। अब के को कॉमन लिया हमने तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ये हो गया। तो यहां से हमारे पास आ गया के इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस बी। तो फ्रेंड्स, के बराबर हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब फिर हमें देखना है जो फंक्शन है एफ, इसको पहले चेक करना है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, क्योंकि जो हमने फंक्शन माना है ये कॉन्टिन्यूअस रोले फंक्शन के अकॉर्डिंग माना है, तो रोले फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और एफ कैपिटल एफ एक्स और कैपिटल बी को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो एफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इसकी डेफिनेशन से, क्योंकि एफ जो है कॉन्टिन्यूअस है ए बी में। और अगर हम के एक्स देखें तो के जो है कॉन्स्टेंट और एक्स जो है एक एलिमेंट है, के एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो यहां से इंप्लाई होगा हमारे पास एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की चेक करें, तो डिफरेंशिएबिलिटी में अगर देखो तो एफ एक्स जो है हमारे पास डिफरेंशिएबल दे हुआ है ओपन इंटरवल ए बी में, और साथ में हम ये देखें यहाँ पे डिफरेंशिएबल चेक करें तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन एक्स आ जाएगा, यानी कहीं भी एफ डैश एक्स जो है वो इनफाइनाइट नहीं जा रहा, तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है और ये है, और साथ में हमारे पास एफ ए बराबर एफ बी की कंडीशन है, जब के बराबर ये होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस बी। तो फ्रेंड्स, यहां से हमारे पास जब ये फंक्शन जो है ये फंक्शन हमारे पास रोले थ्योरम की जो रोले थ्योरम पड़ी थी उसकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो तीन ही कंडीशन होती है उसकी, ये हमारे पास तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रोले थ्योरम का रिजल्ट था, रोले थ्योरम का रिजल्ट क्या था, एफ
अगर वो रोल थ्योरम तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो एफ डैश सी एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो जीरो होना चाहिए, तो डेरिवेटिव जीरो वाला पॉइंट अगर हम निकालना चाहें तो वो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव देखना चाहें हम तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो इंप्लाई इसका डेरिवेटिव देखना चाहें तो एफ डैश एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो, यानी इसका डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स आ जाएगा और प्लस के इक्वल टू जीरो। अब एफ डैश एक्स क्या है फ्रेंड्स, यहां से हम कहें एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस के, और माइनस के की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं हम, तो माइनस के की वैल्यू तो पुट करते हैं यहां से, तो ये हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर कैपिटल एफ डैश एक्स बराबर माइनस के, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए, और अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें ए माइनस बी से तो ये बी माइनस ये हो जाएगा जो कि हमारे पास एफ डैश बी की वैल्यू है, या यहां से हम कहें एफ बी माइनस, या यहां से हम क्या कह रहे थे फ्रेंड्स, यहां पे किसी पॉइंट के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, सपोज कि वो पॉइंट सी है, सपोज कर लिया हमने कि वो पॉइंट सी है तो उसके लिए एफ डैश सी माइनस के इक्वल टू जीरो, तो यहां से हो गया हमारे पास ये एफ डैश सी कैपिटल एफ डैश सी, तो ये हो गया एफ डैश सी बी माइनस ए इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, जो कि हमारे पास जो कंडीशन थी ये क्या है एफ बी माइनस एफ ए बराबर एफ बी माइनस ए एफ डैश सी, जो कि हमें प्रूव करना था। तो यहां से इस तरह से पॉइंट आ गया कि हमारे पास एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा एफ डैश के लिए जिसके लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो फिर इस तरह से लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, साथ ही हम अगले जो लेक्चर होगा उसमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल एवं उसके कुछ रिजल्ट और भी पढ़ेंगे हम। थैंक यू फ्रेंड्स।